जलजली के बाद हम लोग आ गए हैं अपना अगला पॉइंट मैन पार्ट, सॉरी टाइगर पॉइंट। मैं तो भूलता हूँ ना, इसलिए मेरा मैच लड्डू रहता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट देखने लायक जगह है। तोड़ दिया मेरा हेलमेट पहले। हाँ नहीं नहीं पहले सारे तो टेंशन मत ले यार, कांच बदलवाना ही है। तो हम लोग टाइगर पॉइंट पे आ गए हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा घाटी वाला क्षेत्र है। हाँ हाँ अब नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या है। ये नहाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, आराम से नहा सकते हैं। भाई खुला एरिया, लेडीज़ लोग नहाने में दिक्कत होगा। और यह टाइगर पॉइंट का नज़ारा ऊपर से। अब हम लोग नीचे की ओर, इसके झरने की ओर जाके देखते हैं कैसा है। सौ मीटर हाइट तो हो गई, आई मीन 200 फीट के आसपास करीब है ये। बस यही था अपना टाइगर पॉइंट, काफ़ी अच्छा जगह। यहाँ पे लोकल्स नहा भी रहे हैं, आप लोग भी नहा सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पानी बहुत ही साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे। और ऐसा पानी मैंने अंडमान में देखा था, उसके अलावा कुर्ग में भी देखा था, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी। लोग यहाँ बता रहे थे यहाँ मधुमक्खी का भी खतरा है, तो आप ध्यान से चलिए कि कहीं मधुमक्खी आपको टच ना कर कहीं। और बाकी तो आप जानते ही हो मधुमक्खी क्या कर सकता है। चल भाई कहाँ रहे, चमक जा रहा है। दोस्तों यही है अपना टाइगर पॉइंट। ये पानी गिर रहा है यहाँ पे ऊपर, बहुत हाइट है। पानी करीब 150-200 फीट होगा, 150-200 फीट की हाइट से गिरे पड़ा है पानी। बहुत ही अच्छा जगह, यहाँ पे ना गर्मी है, ठंड हल्की है, बाकी हल्का जंगल का वातावरण है इसलिए हल्की नमी है। और पानी की बूंदें थोड़ी थोड़ी छिटक रही है आसपास। घुटना जवाब दे रहा है, उतर जाएंगे यार। ये देख जगह है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे करते 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 उतर जाएंगे। तो हम लोग टाइगर पॉइंट के एकदम नीचे हैं, टाइगर फॉल के एकदम नीचे हैं। जस्ट यहाँ पे टाइगर फॉल हो रहा है और यहाँ से पानी नीचे आते हुए यहाँ पे जा रहा है। वाह नेचर क्या खूबसूरत होता है। वाह पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। टाइगर पॉइंट से वापस जाते हुए हम लोग चल चल उठा कदम, कदम रुकना नहीं चाहिए। अब हर भी मेरे जितना थोड़ा ना चल पाएगा। देख स्पीड देख, पीछे हो गया तू, थक गया। तो ये अपना टाइगर पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे कौन सा पॉइंट, बौद्ध टेंपल जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले कुछ और भी पड़ेगा तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो हम लोग कर्मा टेंपल पहुँच चुके हैं, जहाँ भूटानी लोग या बौद्ध भिक्षु लोगों का एक टेंपल है, जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। मज़ा कर रहे हैं। चलिए अंदर चलिए देखते हैं कैसा है।
ऐसा लग रहा है एकदम साउंड प्रूफ जगह है, थोड़ा सा भी बोलो तो आवाज़ एकदम क्लियरली बहुत दूर तक जा रही है। और ये पीछे यहाँ पे रखी हुई है, बहुत ही बढ़िया जगह है, नक्काशी की गई है एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम सन्नाटा है। थोड़ा सा भी बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ जा रहा है बाहर। तो अपना ये कर्मा टेम्पल भी पूरा हो ही गया, बहुत ही बढ़िया जगह, एकदम शांत सुकून। थोड़ा सा भी आप बोलेंगे तब की आवाज़ पूरी गूंजेगी यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरी कम्युनिटी को देखते हैं यहाँ पे, जो बहुत दूर से आके बसी हुई है, उनकी लाइफस्टाइल एकदम कैसे रहते हैं। हालांकि पूरा यहाँ के लोकल्स की तरह उन लोग मिक्स हो चुके हैं, आपको देख के ऐसा नहीं लगे कि वो यहाँ पे मिले जुले नहीं हैं, और वो यहाँ की भाषा पूरी अच्छी तरीके से भी जानते हैं, तो आपको उनसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आके हमने कई जगह पे पार्किंग चार्जेस दिए, लेकिन इतना अच्छा बौद्ध मंदिर होने के बावजूद भी इन्होंने कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए, हमारी बाइक ऐसे वहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे कर्मा टेम्पल शॉप भी है, अगर खुला होता तो ज़रूर कुछ लेते, लेकिन अभी तो फिलहाल बंद है। उल्टा पानी में हम लोग आ गए हैं, सुबह बाइक लेके आगे गया है और वहाँ से वहाँ के चेक कर रहे हैं गाड़ी ऊपर की ओर आ रही है। की ओर जा रहे हैं। जुबैर रुक बे, उल्टा पानी जस्ट हमारे सामने है। आप देखिए वहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन ये पानी ऊपर की ओर जा रहा है। सुनो आपको डेमो ही दिखा देता हूँ। अटक जाओ, चलिए आपको मैं एक और डेमो देता हूँ। ये सब देखने के बाद तब 100% यकीन हो गया कि ये उल्टा पानी है सही में। क्यों हो रहा है ऐसे, चला भाई बता। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, हालांकि गाड़ी नीचे जाने में रुकेगा थोड़ा, बस बंद कर दो, देखिए स्पीड नहीं ले रहे, हालांकि नीचे ढलाव है, अब जा ही नहीं रहा नीचे। तो हमारा सफ़र तो लगभग यहीं पे ख़त्म हो गया है, लास्ट पॉइंट था उल्टा पानी, वो भी हम लोग देख लिया। अब हम लोग वापस जाएंगे अंबिकापुर, और अंबिकापुर से उसके बाद बैकुंठपुर, फिर बैकुंठपुर के बाद कोरबा,